असल जी मैं मारिया अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमीर बराज को कत्ल करने के लिए हर महीने एक मोटी तगड़ी रकम दी जाती थी। थीफी बट किसके जरिए ये रकम पहुंचाता था कौन तीफी बट का मैसेज लेकर जाता था तीफी बट को आखिर किसने ऊपर से इंस्ट्रक्शन दी थी कि अमीर बलाज को रास्ते से हटाने का टाइम आ चुका है मैं सब कुछ संभाल लूंगा तुमने बस जो है शूटर्स का इंतज़ाम करना है तुमने बस इसको रास्ते से हटाना है बाकी हर चीज़ मेरे हाथ में होगी मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर लूंगा वो कौन बंदा है जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन तीफी बट को दिया करता था शाह मार्केट में कौन कौन अमीर बलाज से नफरत किया करता था एहसन ने कत्ल के जो है ज़िक्र के हवाले से कि मैंने यह कत्ल करना है या हमारी ये प्लानिंग है ये किस किस से इसके हवाले से बात की थी एहसन शाह का राज जो है वो किसने खोला आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं अमीर बलाज के कत्ल को जी आप सब देख लें कितना टाइम गुजर चुका है और अब चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि ना सिर्फ अमीर बलाज को कत्ल करना था टास्क तो ये था कि अमीर मौसम को भी रास्ते से हटा दिया जाए जो तीसरा भाई है वो छोटा है माँ उसको लेकर जो है मुल्क से चली जाएगी और फिर यहां पर राज करने वाला कोई नहीं होगा यहां पर काम करने वाला कोई नहीं होगा एहसन शाह को वो लोग कहेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो तुम तो राइट हैंड थे तुम तो उसके बहुत बहुत सगे थे तो ऐसा करो कि ना हम तो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं सारा बिजनेस जो है वो तुम संभाल लो फिर तीफी जो है एहसन के साथ मिलकर राज करेगा और जो ऊपर से एक बंदा है जिसके बारे में जो है जिक्र किया जा रहा है कि इनको भी इंस्ट्रक्शंस किसी ऊपर से बंदे ने दी थी वो आराम से जो है सुकून से लाहौर पर पंजाब पर और पाकिस्तान पर राज करने की तैयारी करेगा आप देखें कि अमीर बलाज कतल केस में ऐसी डिवेलपमेंट्स आ रही हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार अब कौन रह गया है अब कौन है जो नफरत करता था उस बलाज से जो कि नफरत करता था दुश्मनी से जो कि नफरत करता था इस तरह से कत्ल वारत से उससे कितने लोग जो हैं वो नफरत करते थे एक तरफ पुलिस के हाथ एक डायरी लगी है जिसमें अमीर बलाज कतल केस की सारी प्लानिंग लिखी गई है इस तरह करना है इस तरह करना है ये करना है वो करना है और इन सब के नंबर्स लिखे गए हैं और दूसरी तरफ अदालत ने शाह के लिए गरीब किस्म का फैसला दिया है। तो जी खार हुआ है मैं कहती रहा कि ये ऐसा धोबी का कुत्ता है ना घर का रहा ना घाट का यानी कि यह तरैकी करने वाला था इसको फंसा कर जो फंसाने वाले हैं वो तो निकल गए और ना पैसा मिला ना जो है इज्जत मिली जलालत अलग और नफ़रत अलग जो है वो अपने पूरे सर्कल में उठानी पड़ रही है दूसरी बात ये है कि औरतों का शौक था औरतें भी अब दूर हैं तो वो दिमाग जो है वो काम करना इसका बंद हो चुका है हर रोज़ रोता है चीखता है और इसको हस्पताल पहुंचाया जाता है हस्पित में जाके जो है जी वो गरीब किस्म की हरकतें करना शुरू हो गया अब ऐसा लग रहा है कि इसको भी ज़ाहिर जाफर ज़ाहिर जाफर जो कि दरिंदा ज़ाहिर जाफर था, नूर मुकदम को जिसने कत्ल किया था उस वाली कहानी जो है इसको पट्टी पढ़ाई गई है कि भाई तुम रोज़ अब हस्पताल जाओ तुम्हें जुडिशल तो कर दिया है तुमने रोज रोना है पिटना है ये करना है कि मुझे भूत नज़र आ रहे हैं मुझे जो है वो पता नहीं कोई मार देगा तुमने पागलपन का ड्रामा करना है तुमने रोज़ अस्पताल जाना है और वहाँ पे एक्टिंग करनी है हम तुम्हें पागल साबित कर देंगे अब ये नई कहानी और ये कहानी तीफी बट नहीं बचा रहा है इसको तीफी बट तो इसको इसके हाल पे छोड़ के चला गया तीफी बट का तो यही प्लान था कि इसको फंसा देना है वैसे इसका फंसना बनता भी है ना जो है ये यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा ना पैसा मिला और आप देखें जलालत अलग है इसने जो है पॉलिटिक्स में आना था खैर पॉलिटिक्स में तो आगे चल के भी आ जाता है आ सकता है ये जब इसको रिहा कर देंगे क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि जब तक वो कोई गलत किस्म के काम में मुलविस ना हो वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकते तो ये भी तैयार ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए जो सबसे गंदे लोग हैं वो हम पे जो है मुसलत किए जाते हैं ये इंडिया पाकिस्तान दोनों का यही हाल है अब देखना ये है कि ये ड्रामा कब तक करता है और तीफी बट जो है इसको क्यों फंसा के गया है ये बार बार एक ही बात करता है मेरा क्या कसूर था मुझे क्यों फंसाया गया तो भाई कसूर तो तेरा जो था तूने देख लिया तूने तो एक भाई को मरवा दिया दूसरे भाई को मरवाने के लिए तू उसे अपने घर पे बुला रहा था तो आप सोचें कि कितना खतरनाक किस्म का इंसान होगा अगर इसको छोड़ देती है पुलिस बा इज़्ज़त बरी कर देती है क्योंकि वकीलों से बात हुई है वो कहते हैं कि जी सहूलतकारी

अब सीआईए पुलिस में क्यों तब्दीलियां की गई हैं हर बंदा जो इस केस को कवर कर रहा है वो सवाल कर रहा है और पुलिस आगे से कहती है हम आपको जवाब दे नहीं है आप जवाब दे नहीं हैं ठीक है थीके? किसी को जवाब दे नहीं है पुलिस तो वैसे भी जो है वो किसी को भी जवाब दे नहीं होती हालांकि इसी आवाम बेचारी के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाही मिलती हैं और इसी आवाम को पकड़ के जो है तिगनी का नाच नचा के रखते हैं डराते हैं आप ये देखिए कि ये किसी को जवाब दे नहीं है तो फिर आ, केस रुक क्यों गया है मामला रुक क्यों है? गए हैं जब रद्दोबल की गई है सी के अंदर अगर आप जवाब दे रही हैं आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दो दिन के अंदर और आपने केस को ये कह के, के ख़त्म कर दिया कि सारे मामलात जो हैं वो गोगी बट के है. अगर सब कुछ गोगी बट ने किया है या सॉरी तीफी भट ने किया है तो गोगी बट कहाँ पर है गोगी बट को आप क्लीन चिट देने की कोशिश करें ना आपके हाथ गोगी बट लगा ना आपके हाथ जो है इतने आप काबिल नहीं हैं कि आप जाके जो है बाहर से पकड़ के जो है वो तीफी बट को लेकर आए आप तो इतने काबिल नहीं है कि पाकिस्तान में जो बैठा हुआ गोगी बट उसको पकड़ सके ये काबिलियत कुछ नहीं होती जब आपने पकड़ना होता है तो आप जो है ना पाताल से भी निकाल लेते हैं आप कब्रों सात कब्रों से भी जो है अंदर से निकाल सकते हैं लेकिन जब आपने पकड़ना ही नहीं होता तो फिर आप जो है वो फेब्रिकेटेड चीजें सामने लेकर आते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं कानून के हाथ बंधे हुए हैं इस मुल्क में कानून के हाथ इतने बंधे हुए हैं कि यहाँ पे चीफ जस्टिस यहाँ पे वकील जो हैं वो बेचारे जो हैं वो कहते हैं हमें इंसाफ दो तो अब इंसाफ देने वाले इंसाफ मांग रहे होते हैं इस मुल्क में तो सही बात है जी कानून के हाथ तो इस मुल्क में बुरी तरह से बंधे हुए हैं और पुलिस का तमाशा तो आपने देख ही लिया था पंजाब में जो पंजाब में पुलिस ने किया था पंजाब पुलिस ने तो अल्लाह ताला बचाए मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपको किसी के शर से महफूज रखे तो वो पंजाब पुलिस है देख कर डर लगता है वो मुझे अच्छी तरह याद है शहबाज का दौर था वो वजीर अला थे क्या बेहतरीन पुलिस को सीधा किया हुआ था क्या बेहतरीन काम किया था शहबाज शरीफ ने यकीन करें पुलिस को देखकर डर नहीं लगता था ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये अपने ही लोग हैं और ये आपको प्रोटेक्शन देंगे अब दोबारा हम वहीं पर आके खड़े हो गए हैं कि पुलिस को देख फिर डर लगना शुरू हो जाता है और बंदा कहता है यार इनसे दूर रहो माफी हमारे घर में चोरी जकारी भी हुई है वो तो पहले लोग लूट के चले गए हैं इन्होंने आकर हमें मजीद लूट के चला जाना है तो अतीफी बट कहाँ पर है इनको बहुत अच्छे से पता है इन्हीं के अंदर से रैकी की जा रही है इन्हीं के अंदर से जो है वो सारे मामला जो

ये इनको हजम नहीं हो रहा कि वो क्यों बच गया अब वो इस केस का मुद्दा ही है वो फिर ये बात बोलता है जैसे कि अमीर बलाज बोलता था कि हम दुश्मनी नहीं चाहते हम दुश्मनी नहीं चाहते हम कानून के जरिए जो है इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और कानून के हाथ बंदे में भाई अब आप क्या करें टीपू जो पहलवान जब दुबई में अपने बच्चों से मिलता था तब वो बड़े बेटे बलाज को बड़े अच्छे से समझाया करता था नसीहत करता था कि तीफी बट पे कभी एतबार ना करना और आप देखें कि जो उसने नसीहत की थी चलें उसके बेटे ने तो एतबार नहीं किया उसने किसी और पर एतबार किया और उसको क्या पता था कि दोस्त जो है वो सांप होगा लेकिन जितने लोगों ने टी बट पे एतबार किया वो उसको जो है ना बता कर गया कि भाई सही कहता था टीपू ट्रका वाला मुझ पर एतबार नहीं करना चाहिए और सबको मर किसी को मरवा के चला गया किसी को फंसवा के चला गया एहसन शाह यकीन करें कि आप गरीब सुनेंगे कि एहसन शाह जो है वो पागल हो गया है उसके टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो उसको पागल खाने मुंतकिल किया जा रहा है वो जहनी तोज़ुन खो गया है वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो दीवारों से टक्कर मार रहा है ये आप लोग भी इधर हैं मैं भी दर किस तरह से जो है ये इसको बाइज्जत बरी किया जाएगा किस तरह से ये बाहर आएगा किस तरह से ये पॉलिटिक्स में भी आएगा ये सब चीजें हम अपनी गुनागार देखेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान है यहां पर इंसाफ नहीं मिलता अब मैं फिर इस वीडियो में किससे कहूँ कि जो है वो ये इस पर इंसाफ हो मुझे तो कोई समझ नहीं आता मैं जो है वो वजीर अली पंजाब से अपील करती हूँ कि के इस केस को जो है वो देखें इंस्ट्रक्शन दें पुलिस को कि भाई पुलिस अपना काम कर ले अच्छे से कर ले और कैफे किरदार तक पहुँचाने में मददगार साबित हों और मैं आर्मी चीफ से अपील करती हूँ कि ये एक हाई प्रोफाइल किस्म का केस है जहाँ पर दुश्मनी नहीं चाहते वाले मतलब वालद तो इनके नहीं है माँ और फैमिली कहती है कि जी हम दुश्मनी नहीं चाहते हम कानून के रास्ते पर चलते हुए इंसाफ हासिल करेंगे तो एक माँ जो यकीन करती थी पहले अपने शोहर के लिए वो ना उम्मीद हुई पाकिस्तान के अदालती सिस्टम से और अब अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है तो हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले ताकि वो ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा इस दुनिया में ही देख ले कि इस मुल्क में इंसाफ होता है